दिल्ली समेत एनसीआर में छाया घना कोहरा, हालांकि कल के मुकाबले ठंड में थोड़ी राहत, 7 डिग्री सेल्सियस है तापमान। कोहरे से वाहन चालकों को हो रही है खासी परेशानी, धुंध भेद पाने में नाकाम हो रही गाड़ियों की लाइट। कोहरे के चलते रास्ता भटके कुछ वाहन चालक, 5-10 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटे भर का लग रहा है वक्त। ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे बुजुर्ग और बच्चे। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ऐसा ही बना रहेगा मौसम का मिजाज, कुछ दिनों तक जारी रहेगा कोहरे और ठंड का सतम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ठंड से एक मजदूर की मौत, बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, नहीं बची जान। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन के इंतजाम नाकाफी, रैन बसेरों और अलाव के बंदोबस्त सही नहीं। रोहतक में कल शाम से छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी जीरो होने से रेंगती नजर आई गाड़ियां। ऋषिकेश में बर्फबारी के बाद अब कोहरे से बड़ी मुश्किल, सुबह देर से खुलते हैं बाजार और शाम को जल्दी हो जाते हैं बंद। ऋषिकेश में दिन का तापमान 15 डिग्री जबकि रात और सुबह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का। बेंगलोर में चर्च स्ट्रीट इलाके के कोकोनट ग्रोव रेस्टोरेंट में कल रात हुआ बम धमाका। इस धमाके में एक महिला की मौत हो गई जबकि 5 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। रेस्टोरेंट में धमाका कल रात करीब 8:30 बजे हुआ। आईईडी के जरिए किए गए इस धमाके को लो इंटेंसिटी ब्लास्ट बताया जा रहा है। धमाका होते ही रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। घायलों को फौरन माल्या अस्पताल पहुंचाया गया जहां घायल महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि कार्तिक, संदीप, विनय, हरीश और नवीन को मामूली चोट लगी है। We could notice it was not a cracker. Okay. Certainly it was not a cracker and of course it was not something like an LPG blast, but uh-huh. when those sharpnels fell all over us and we could make out it was a bomb blast. How far were you from this lady, sir? From the bomb blast area, that epicenter, we were hardly about 3 or 4 feet. बेंगलोर धमाके में मारी गई 37 साल की महिला का नाम भवानी था और वो तमिलनाडु की रहने वाली थी। महिला की भतीजी प्रिया के मुताबिक वो अपने भाई कार्तिक और चाची भवानी के साथ एक गेमिंग प्लेस अमोएबा जा रही थी। जब वो कोकोनट ग्रोव रेस्टोरेंट के पास से गुजर रहे थे तभी तेज धमाका हुआ और उसकी चाची और भाई गिर गए। इस दौरान भवानी के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट लगी जबकि कार्तिक भी मामूली तौर पर घायल हो गया। दोनों को फौरन नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया था लेकिन भवानी को बचाया नहीं जा सका। आईईडी बम को रेस्टोरेंट में 2 गमलों के बीच में रखा गया था। खबर के मुताबिक बम को अखबार और एक सफेद कपड़े में लपेट कर रखा गया। साथ ही धमाके के लिए बेहद व्यस्त समय को चुना गया। रात 8:30 बजे से 9 बजे के बीच अक्सर रेस्टोरेंट में काफी भीड़ रहती है। इन तौर तरीकों से धमाके के पीछे किसी एक्सपर्ट का हाथ नजर आता है। एनआईए की टीम इसकी जाँच में जुटी है। रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज की भी पड़ताल की जा रही है, साथ ही पुलिस सिक्योरिटी गार्ड और एक पान वाले से पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। अनफॉर्चुनेटली द लेडी बाय नेम भवानी इज नो मोर, शी कुड नॉट सर्वाइव द इंजरीज, सो शी हैज डाइड बिकॉज़ ऑफ द इंजरी टू हर हेड। अनदर रिलेटिव कार्तिक इज आउट ऑफ डेंजर। I would say that it is an improvised explosive device and the investigations are on. Special teams have already reached the spot. They are examining all the clues and collecting all the traces and evidence. बेंगलोर में धमाके के बाद दिल्ली, मुंबई समेत कई बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आईबी और गृह मंत्रालय ने मुंबई और पुणे को खास तौर पर अलर्ट जारी किया है। आशंका जताई गई है कि मुंबई और पुणे को अगला निशाना बनाया जा सकता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने भी हाई अलर्ट जारी करते हुए मुंबई पुलिस को चौकन्ना रहने को कहा है। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों पर खास निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। यहाँ से ये निर्णय हुआ कि तुरंत हमारा जो भी एजेंसीज हो, कोई भी मदद हो कर्नाटक सरकार को, अभी तुरंत हम लोग देंगे। अगर वहाँ ऐसे महसूस हुआ कि जरूरत पड़ेगा, मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत बड़ा इंटेंसिटी ब्लास्ट नहीं है इसलिए अभी कुछ कहना वो संभावना नहीं है कि उसका पीछे कौन है क्या है। कर्नाटक के डीजीपी समेत सभी आला अधिकारी धमाके के बाद जल्द ही कोकोनट ग्रोव रेस्टोरेंट पहुंच गए।
केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा भी मौका स्थल पर पहुंचे थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी फौरन फोन पर सीएम सिद्धारमैया से हालात की जानकारी ली। हालांकि हैरत इस बात की है कि कुछ लोगों ने 14 दिसंबर को बेंगलोर पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर धमाके की धमकी दी थी, फिर भी पुलिस इसे रोक पाने में नाकाम रही। जांच दल ने धमाका स्थल से एल्यूमिनियम पाइप के टुकड़े बरामद किए हैं। इनका इस्तेमाल बम में किया गया था। सूत्रों के मुताबिक आशंका जताई जा रही है कि आईईडी बम में टाइमर लगा हुआ था और टाइमर में धमाके के लिए रात 8:45 का वक्त तय किया गया था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था, साथ ही जिलेटिन के इस्तेमाल की भी आशंका है। बेंगलोर धमाके के बाद अभी तक किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। संदेह इस बात का भी है कि कहीं ये किसी बड़े हमले से पहले किया गया ट्रायल तो नहीं है। साथ ही शक मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से भागे सिमी के 6 आतंकियों पर भी है। अबू फैजल को इस ग्रुप का मुखिया बताया जा रहा है। सिमी के इन आतंकियों पर इसी साल सितंबर महीने में बिजनौर धमाके के अलावा फरवरी माह में तेलंगाना में बैंक लूट का भी आरोप है। सूत्रों के मुताबिक ये भगोड़े आतंकी आखिरी बार कर्नाटक में ही देखे गए थे। हालांकि जांच दल को इस धमाके में चेन्नई ट्रेन धमाका और पुणे में पुलिस स्टेशन की पार्किंग में हुए धमाके के बीच समानता भी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में भी विस्फोट की एक और साजिश नाकाम कर दी गई है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 300 जिलेटिन की छड़ों का जखीरा बरामद किया है। जिलेटिन की छड़ें एक मारुति वैन में रखी हुई थी। पुलिस ने अब्दुल कदर शेख नाम के एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि अब्दुल कदर जिलेटिन की छड़ों को ओडिशा से बीरभूम ले जा रहा था। कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर अभी भी कश्मकश जारी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट लाने वाली पीडीपी दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से अलग अलग बात कर रही है। पीडीपी ने बीजेपी के सामने शर्तों की लिस्ट थमा दी है। इस लिस्ट के मुताबिक प्रदेश में उसका मुख्यमंत्री होगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 पर भी पीडीपी कोई छेड़छाड़ नहीं चाहती है। इस बीच कांग्रेस ने पीडीपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान करके बीजेपी के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में पुलिस की गोली से मारे गए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जांच रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हत्या की जांच के लिए कमेटी का गठन किया था। इस गोलीबारी में 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। केंद्र की सत्ता गंवाने के बाद कई राज्यों में अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस ने अपना 130वां स्थापना दिवस मनाया। हैरानी की बात यह रही कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस कार्यक्रम से नदारद रहे। वैसे इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत दूसरे कई बड़े नेता मौजूद थे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में समर्थन के साथ साथ विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली के बवाना में केजरीवाल की सभा में हंगामा हुआ। केजरीवाल को लोगों की हूटिंग के बीच भाषण छोड़ना पड़ा। जैसे ही केजरीवाल मंच पर पहुंचते लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगाए। आम आदमी पार्टी ने इस हूटिंग के लिए बीजेपी और कांग्रेस पर साजिश का आरोप लगाया है। हालांकि हूटिंग के बीच केजरीवाल आपा खोते हुए नजर आए। माँ बाप बैठते हैं ना बीजेपी में, ये तुम्हारे बिजली के बिल कम नहीं करने वाले, ये तुम्हारे तुम्हारे काम नहीं आएंगे सुख दुख में। दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर प्रचार अभियान में जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करने का मुद्दा उठाया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के चुनाव प्रचार में हो रहे खर्च पर जवाब मांगा। कहा, आखिर इतने पैसे कहां से आए? आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर तंज कसते हुए लवली ने कहा कि कांग्रेस को भ्रष्ट कहने वाले लोग बताएं कि प्रचार में करोड़ों कहां से खर्च हो रहे हैं। ये दुनिया में पहली मरतबा हो रहा है कि जो भ्रष्ट है उनके पास अपनी चुनाव के एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे नहीं है और जो ईमानदार है उनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो इनसे ये पूछना ही हो सकता है कि आप करोड़ों रुपया जो अपने होली पर पोस्टरों पे खर्च कर रहे हो और कल तक आप कहते थे कि आप जन आंदोलन की पार्टी हो, आज आपको करोड़ों रुपया अपनी पब्लिसिटी में खर्च करना पड़ रहा है, इसका हिसाब किताब आपको दिल्ली के लोगों को देना पड़ेगा।
महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री गिरीश महाजन ने जामनगर में किया बड़ा खुलासा। कहा, दलालों और कुछ ठेकेदारों ने दिया था 120 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर। ये रिश्वत 1000 करोड़ के ठेकों पर लगाई गई रोक हटाने के एवज में दी जा रही थी। गिरीश महाजन के मुताबिक सिंचाई मंत्रालय में पिछली सरकार के दौरान काफी गड़बड़झाला किया गया है। खास बात यह कि पिछली सरकार में सिंचाई विभाग एनसीपी नेता अजीत पवार के पास था, जो कुछ दिनों पहले तक बीजेपी की नवोदित सरकार को समर्थन दे रही थी। मतलब 1000 करोड़ के पीछे 100 करोड़ 120 करोड़ रुपए देने की उन्होंने कुछ उनके से कुछ मुझे इच्छा जताई कि हम सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, आप बोलो अगर ऐसा है तो। मुझे तो बहुत शौक हुआ कि 1000 करोड़ के पीछे 100 करोड़ मिनिस्टर को कमीशन देने के लिए लोग तैयार है। दिल्ली आईआईटी के निदेशक ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर विपक्ष ने इस मामले पर सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन मानव संसाधन मंत्रालय ने निदेशक पर सरकार की तरफ से दबाव की बात से इनकार किया है। मंत्रालय ने सुब्रमण्यम स्वामी के बकाए की राशि और सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट एकेडमी को इस मामले से बिल्कुल अलग करा दिया है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने आजम खान को अवसाद से ग्रस्त बताया। ये भी कहा कि बरेली या आगरा में उन्हें इलाज के लिए भेजा जाना चाहिए। आजम खान ने बयान दिया था कि उस साक्षी महाराज को संत नहीं मानते, जिससे आदित्यनाथ खासे खफा दिखे। के उस पर उन्हें करना है जी, कोई बेयाद बात करता हो जी तो मुझे लगता है कि उस हर अवसाद ग्रसित व्यक्ति के हर प्रश्न का जवाब नहीं दिया जाता, उसके लिए आगरा और बरेली के हॉस्पिटल बने। बलिया में विश्व हिंदू परिषद की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग के साथ ही धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की भी मांग की। सैफई महोत्सव में बॉडी बिल्डर्स ने दिखाया अपना जलवा। खास बात ये रही कि महिला बॉडी बिल्डर भी इसमें पीछे नहीं रही। देश के करीब 24 मशहूर बॉडी बिल्डर न्योते पर सैफई पहुंचे थे, जिन्हें बाद में सीएम अखिलेश यादव और उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक वीडियो से फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। वीडियो में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के खूनी खेल खेलने का जिक्र है। 15 मिनट के वीडियो में पाकिस्तान की तमाम काली करतूतों का खुलासा है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के आज़ादी के नाम पर मुजाहिदीनों को भड़काने और भारत के खिलाफ छद्म युद्ध शुरू करने का भी जिक्र है। क्रिसमस से पहले जारी हुआ था टीटीपी का वीडियो। दिल्ली के मंडावनी इलाके में सड़क हादसे में मासूम की मौत हो गई। हादसा पुलिस स्टेशन के बाहर हुआ। परिवार वालों ने लगाया पुलिस पर गंभीर आरोप। परिवार वालों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की गाड़ी से हुआ हादसा। दिल्ली में अक्षरधाम के पास पुलिस वालों ने अपनी कार से महिला और बच्चे को कुचला। बच्चे की मौके पर ही मौत। घायल महिला अस्पताल में भर्ती। चश्मदीदों का आरोप, कार के अंदर दिखी शराब की बोतल। कार में सवार दोनों पुलिस वाले पांडव नगर थाने में तैनात। पुलिस ने एक आरोपी कांस्टेबल को हिरासत में लिया। दिल्ली में एक पिता ने बेटे की गला काट कर हत्या कर दी। दिल्ली के संगम विहार में वारदात को अंजाम दिया गया। 32 साल के लड़के पर शराब के नशे में पिता से झगड़ने का आरोप था। झगड़ा इतना बढ़ा कि पिता ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।